जानकर आज हम जाने वाले हैं काफी अमेजिंग जगह, ठीक है। एक काफी 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 ज्यादा स्मार्ट कैंपस है, ऑफिस है बहुत ज्यादा स्मार्ट, काफी सारी अलग अलग चीजें हैं वहाँ पे, तो उसका ऑफिस टूर तुम्हें दिखाने वाले हैं एंड साथ साथ सारी चीजें समझाने वाले कैसे कैसे चीजें वहाँ पे वर्क करती हैं। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हमने दोस्त के घर पर हूँ देवांश के, तो उनके खुद में काफी टेस्टी खाना बनाया हुआ है। पहले वो खाना खाते हैं, नहाते हैं, फिर चलते हैं तुम्हें लेके अपने साथ। तो यार मेरे को रिसेंटली बॉश इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस को विजिट करने का मौका मिला। अब यार ऐसी अपॉर्चुनिटी को मना तो कैसे कर सकते थे। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट बॉश स्पार्क नेक्स्ट कैंपस। अब यहाँ पे काफ़ी सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें, अमेजिंग अमेजिंग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। एक तुम्हें ऑफिस टूर देंगे बढ़िया सा। सो स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो बॉश है ना वो इंडिया में 100 ईयर्स से है एंड यार 100 ईयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो रिसेंटली दे सेलिब्रेटेड देयर 100th एनिवर्सरी एंड उस 100th एनिवर्सरी के दिन दे अनाउंस देयर न्यू कैंपस बॉश स्पार्क नेक्स्ट कैंपस। अब यार यहाँ पे सब कुछ था जो तुम एक नॉर्मल ऑफिस से एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मिल ही रही थी। इसके अलावा काफी ज्यादा ना अनयूजुअल चीजें भी दिखी मेरे को। एक थोड़ी अनयूजुअल सी चीज मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। तो जो वर्क स्पेसेस होते हैं जहाँ पे लोग जनरली काम कर रहे होते हैं, जो टेबल्स होते हैं उसके आसपास इन्होंने क्या कर रखा है, ट्रेडमिल्स रखे हुए हैं एंड साइकिल्स रखी हुई हैं। तो साइकिल्स के बीच में, तीन साइकिल्स के बीच में एक टेबल रखा हुआ है। सो वट पीपल कैन डू इज पीपल कैन ब्रिंग देयर लैपटॉप्स, टेबल पे लैपटॉप रखो या फिर ट्रेडमिल के ऊपर एक जगह है वहाँ पे तुम लैपटॉप रखो, चलते चलते थोड़ा काम करो। अब जो खाना वाना खाओगे इतना सारा, तुम जूसेस पियोगे, कॉफी पियोगे, तो कैलरीज वैलरीज बर्न करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सो दे हैव दिस सॉल्यूशन। तो जो ये सॉल्यूशन है मैंने अभी तक तो किसी और ऑफिस में नहीं देखा था, तो मेरे को काफ़ी अनयूजुअल सा एंड काफ़ी मज़ेदार सा लगा। तो जब भी तुम किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाते हो ना, तो तुम्हें क्या चाहिए होता है वहाँ पे, कोई एक पर्सन चाहिए होता है जो तो या तो तुम्हें इन्वाइट करे किसी काम के लिए, या फिर तुम्हारा कोई रिलेटिव वगैरह हो, तुम्हारा दोस्त वगैरह हो जो कंपनी में काम कर रहा हो, राइट। अब वहां जाने के बाद क्या सीन होता है कि यू नीड एन विजिटर आईडी। विजिटर आईडी के बिना तुम कैंपस के अंदर नहीं घूम सकते। अब जनरली क्या होता है, जब कोई जाता है जैसे किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो साथ में जाके तुम्हें विजिटर आईडी बनवानी पड़ती है एंड द लाइक सिक्योरिटी पर्सन और द पर्सन हु इज हैंडलिंग दैट वो तुम्हें एक विजिटर आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या था, इन्होंने एक नया स्मार्ट सा सॉल्यूशन निकाला है। पहले तुम्हें वेब चेक इन करना होगा, वेब चेक इन में अपनी फोटो वोटो क्लिक करवानी होगी, उसके साथ अपना एक लाइक आइडेंटिटी प्रूफ तुम्हें सबमिट करना होगा। उसके बाद जब तुम ऑफिस में जाओगे ना, तो वहाँ पे इन्होंने ना VMS रखा हुआ है, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसमें क्या है, एक मस्त कियोस्क बना हुआ है, कियोस्क पे जाओगे तुम्हें वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी होगी, तुम अपनी डिटेल्स डालोगे, वो तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज करके डिटेल्स अपने आप फिल कर देगा, पता लगा लेगा कि अच्छा कौन बंदा है ये, जो कि काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी, ठीक है। फेस रिकॉग्नाइज करके मैच कर लेता है एंड तुम्हें बस अपनी डिटेल्स एंटर करनी होती है, अगर तुम कुछ लैपटॉप वैपटॉप ले जा रहे हो, कोई भी चीज़ ले जा रहे हो, तो वो सब डिटेल्स एंटर करके, तो उसके बाद दे गिव यू अ विजिटर्स कार्ड एंड उस विजिटर्स कार्ड से तुम पूरे कैंपस में मस्त घूम सकते हो। अब जो बैंगलोर का वेदर है यार, वो अनप्रेडिक्टेबल सा है, काफ़ी जल्दी चेंज होता है, एकदम से तुम घूम रहे होगे बहुत ज़्यादा सनी सनी सा होगा और दूसरे पल में ही भाई बारिश हो जाती है, तो जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। कभी कभी तुम्हें गर्मी लग रही होती है, कभी कभी तुम्हें थोड़ी ठंड लग रही होती है। तो इनके यहाँ पे एक स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है एंड दिस इज कॉल्ड बियांका। ये यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, इससे ना काफ़ी ज़्यादा AIoT पॉइंट्स होते हैं। AIoT क्या होता है तुम्हारा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स में क्या होता है, IoT डिवाइसेस काफ़ी काफ़ी जगह लगे हुए हैं जो सारी टेम्परेचर रीडिंग्स एंड एवरीथिंग लेते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो पूरा इनका एयर कंडीशनिंग वाला सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड ये सब ना ऑटोमेटिकली अपने आप मैनेज हो जाता है, कब टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, सब मैनुअली नहीं होता, सब ऑटोमेटिकली AI अपने आप कर रहा होता है। अब इसके बाद ना ऐसा नहीं है कि बस काम और ये टेक्नोलॉजी, इसके अलावा दे हैव अ लॉट ऑफ चिलिंग स्पेसेस, ठीक है, इधर उधर बैठने के काफी ज्यादा स्पेसेस हैं, दे हैव मल्टीपल टेरेस, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारा हर फ्लोर पे जनरली जगह होती है ना, जैसे वो ट्रेडमिल वाली जगह मैंने बताई, वहां पे तुम बैठ के बात कर सकते हो, गेम्स वेम्स खेल सकते हो, ऐसे मतलब काफी ज्यादा चिलिंग आउट स्पॉट्स हैं। इसके अलावा तुम बाहर बैठ सकते हो, दे हैव लाइक अ मेन एरिया बीच में बिटवीन टू बिल्डिंग्स जहां पे तुम बैठ के चिल कर सकते हो, फिर दे हैव अ ब्रिज। अब टेरेस पे दे हैव देयर कैफेटेरिया एंड वहां पे मस्त ओपन है, ठीक है, ओपन टेरेस है, मस्त तुम इधर घूम सकते हो, मस्त हवा आती रहती है, काफी अच्छा सा एरिया था
वहाँ पे एंड तुम्हें पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह दिख ही रही होंगी राइट। अभी यहाँ पे ना तुम्हारे जो इनकी मेन पार्किंग है, पार्किंग और जो तुम्हारी मेन बिल्डिंग है इन दोनों के बीच में दे हैव क्रिएटेड अ ब्रिज एंड दैट कनेक्ट्स देयर मल्टी लेवल पार्किंग विद बोथ द बिल्डिंग्स ठीक है, ताकि इंप्लॉयज को काफी इजी हो कार पार्क करी सीधा अपने ऑफिस में चले गए और ऑफिस से वापस कार पार्किंग के लिए रोड वोड क्रॉस ना करना पड़े एंड कुछ भी ऐसी दिक्कत ना आए। सो दिस इज कॉल्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों है, ताकि लाइक कैंपस में बहुत सारी ऐसी स्पेसेस है जहाँ पे लोग जाके बैठ के काम कर सकते हैं, सो मेंटेनिंग द एयर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंप्लॉयज उनकी हेल्थ के लिए भी लाइक केयर करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये मॉनिटर कर रहे होते हैं कि पॉल्यूटेंट्स का लेवल वगैरह कितना है एंड पॉल्यूटेंट्स का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ता है सो दे कैन टेक एक्शन ऑन दैट। इसके अलावा पूरे कैंपस में हर जगह ना काफ़ी ज़्यादा ट्रीज वगैरह लगे हुए थे एंड जिनकी बिल्डिंग है उस पर दे आर प्लानिंग टू पुट प्लांट्स पूरी बिल्डिंग पे, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस वगैरह इनके जितने भी तुमने देखा सारे स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं। दे ऑल्सो हैव सोलर पैनल्स जो तुम्हारा यार नॉर्मल एनर्जी जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी है उससे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम कर देता है एंड सोलर पावर को यूज करने में हेल्प करता है विच इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। एंड फिर जब हम पार्किंग की साइड जा रहे थे तो पार्किंग में दे हैड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड पार्क ज्यूस। अब उसमें क्या है कि दे नो एग्जैक्टली कि इस पार्किंग में कितनी ज़्यादा कार्स वगैरह पार्क्ड है एंड सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। प्लस दे ऑल्सो हैव सेंसर्स जो अगर तुम कहीं जाते हो तो दे स्विच ऑन द लाइट्स एंड मतलब अगर तुम वहाँ पर कोई आसपास नहीं है तो द स्विच ऑफ द लाइट्स दैट इज ऑल्सो इन देयर मीटिंग रूम्स एंड इन जनरल बिल्डिंग में भी है एंड पार्किंग में भी था। अब जो ये तुम्हारा पार्क जीएस है इसमें क्या होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि कौन से फ्लोर पे कौन सी पार्किंग स्पॉट एम्प्टी है मतलब कितनी पार्किंग स्पॉट्स एम्प्टी है, तो तुम्हें ऐसे हर फ्लोर पे जाके घूमना नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ जाके तुम्हें पार्किंग मिलेगी एंड इजीली पता चल जाता है। उसके अलावा दे हैव ग्रीन लाइट्स ठीक है, पार्किंग में ग्रीन लाइट है तो तुम्हें पता चल जाता है यार कौन सी वाली पार्किंग अभी फ्री है, जैसे ही तुम वहाँ पे पार्क कर देते हो तो लाइट टर्न्स इनटू रेड एंड वो पार्किंग स्पॉट फिल हो जाएगी एंड उसके अलावा वो लीडर बोर्ड वगैरह फिल कर देते हैं कि इस वाली पार्किंग में कोई भी स्पेस अभी अवेलेबल नहीं है फिर इतनी स्पेसेस अवेलेबल है। सो दिस इज अ वेरी गुड स्मार्ट सॉल्यूशन। अब यार इतनी सारी अगर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है कैंपस में सो हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, काफी ज्यादा फेलियर्स वगैरह हो सकते हैं राइट। सो उसके लिए भी दे हैव क्रिएटेड एन इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है, टिकट्स वगैरह रेज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एंड जो पर्टिकुलर पर्सन को वो टिकट असाइन होनी चाहिए कि यार इलेक्ट्रिसिटी वाली तो इलेक्ट्रिसिटी वाले एक बंदे को असाइन हो गई एंड फास्ट वो उस चीज़ को लाइक ठीक कर देंगे जाके, उसका कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे। ये वाली चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अलर्ट्स वगैरह रेज हो जाते हैं जल्दी जाके एंड लोग वहाँ पे उन चीज़ों पे एक्शन ले सकते हैं। अब इस चीज़ से यार तुम्हारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वेर ये सब करने के बाद भूख लग रही थी बट यहाँ पे ना मल्टीपल कैंटीन है एग्जैक्टली, थोड़ा बड़ा कैंपस है 76 एकर्स का तो वो एक कैंटीन ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो दे ऑल्सो हैड अ सॉल्यूशन फॉर दैट, इनके पास एक अपना खुद का ऐप है वे फाइंडर, उसमें तुम अपनी करंट लोकेशन से किसी भी लाइक तुम्हें कहीं जगह जाना है, कोई स्कल्पचर है इनका एक यहाँ पे बढ़िया सा उस पर जाना है या फिर तुम्हें अगर पता नहीं चल रहा कि यार पार्किंग की साइड है पार्किंग में जाना है या फिर तुम्हें अगर कैंटीन में जाना है कैफेटेरिया में जाना है तो तुम उसमें डालो, वो तुम्हें पूरा रास्ता बता दे जैसे अपना गूगल मैप्स बताता है वैसे दे हैव अ गूगल मैप फॉर देयर कैंपस, आराम से अंदर इधर से उधर घूम सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे तीन कैफेटेरियाज हैं जनरली, एक जो मैंने तुम्हें टेरेस वाला बताया उसके अलावा दो कैफेटेरियाज और थे एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा था एंड आई ऑल्सो मेट सम पीपल कैफेटेरिया में जिन्होंने मेरे को रिकग्नाइज कर लिया था एंड काफ़ी अच्छा लगा। तो आई रियली लाइक द होल कैंपस, काफ़ी स्मार्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज़ हो रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वो सारी चीज़ें देख के एंड उन सबका डेमो देख के एंड सीइंग कंपनीज लाइक बॉश इन्वेस्टिंग इन दीज थिंग्स सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्यूशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे, तुम्हारे सस्टेनेबल अप्रोच को फॉलो करके उन्होंने जो नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है वो बनाई है। सो ओवरऑल आई रियली लाइक द ऑफिस ऑनेस्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।